आज डे टू है हम लोग का स्की पे और हम लोग फिर से आज स्की करने जा रहे हैं रोम्बे अल्पाइन, है ना। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ओके एंड द मेंशन वेयर सॉक्स विल यू हैव जूस आल्सो यस और अभी सुबह के 7:30 आई नीड टू वॉक। तो अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट हो रहा है। यहां किट्टू अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है। किट्टू क्या कर रहा है ब्रेकफास्ट में? Everyone is hungry, saying. और यहाँ पे नावन्या अपना ब्रेकफास्ट कर रही है सामने। क्या क्या किट्टू ब्रेकफास्ट में? Explain it. Watermelon and what? Paprika. Paprika. Shot bullet. No. Grapes. Grapes. Shot bullet. Corv. 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 Yet they bro. And juice. Where's the juice? Apple cider juice. And water. Good. And also. Aye, mera nasta sandwich. Papa, क्या खा रहे हैं? पापा ब्रेड और चीज खा रहे हैं, साथ में वेजिटेबल्स हैं। यस एंड मक्का। हाँ, ये स्वीडिश मक्का ब्रेड है जिसमें गुड़ एंड गुड है और इसके ऊपर जो चीज है वो गुड चीज है। तो अब हम लोग होटल से निकल गए हैं और स्की स्लोप की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे ट्रेन ट्रैक बना हुआ है और दोनों ही साइड हाउसेस हैं। ये ओपन ट्रैक है। ये एरिया बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे। दोनों साइड रेड हाउसेस हैं और वाइट वाइट स्नो में इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। ये एक छोटा सा विलेज टाइप का लगता है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है पर बहुत खूबसूरत है। और अब हम लोग रोम्बे अल्पाइन पहुंच गए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था है सब कुछ का। दो तीन जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं, किस साइड आप उल्का कर सकते हैं, किस साइड आप स्की कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने कार को वहीं पर पार्क करें। पार्किंग की भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है, काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया बनाया हुआ है और बहुत सारे स्टाफ अवेलेबल हैं जो गाइड करते हैं कि किस साइड आप पार्क कर सकते हैं, किस साइड स्पेस बचा हुआ है जिस साइड आप जाके पार्क कर सकें। हमें इस साइड का एरिया मिला है राइट साइड का पार्किंग करने के लिए। और यहाँ पे फ्रंट में तो पार्किंग पूरी फुल है, हमें आगे तक जाना होगा। लेट्स सी कहाँ पे हमें पार्किंग मिलती है। वेल, मुझे यहीं से स्लोप्स दिख रहे हैं बहुत सारे, इवन इसकी लिफ्ट भी दिख रही है जो ऊपर की ओर जा रही है और बहुत सारे लोग स्की करते हुए नीचे आ रहे हैं वो भी दिख रहे हैं। बहुत लोग तो बहुत स्पीड में स्की करते हुए नीचे आ रहे हैं। मैंने कहा प्रैम पूरा स्नो से कवर्ड हो रहा है और यहाँ पे मेरा स्की रखा है। मैंने सोचा है कि मैं ट्राई करूँगी स्की ये किट्टू के साथ, और फर्स्ट हाफ हम लोग मैं करूँगी किट्टू के साथ, सेकेंड हाफ में निकुंज करेंगे। लेकिन आज का वेदर बहुत ख़राब है, पूरा स्नो पड़ रहा है। आज इतने सालों के बाद स्की करके एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। लास्ट मैंने 2016 में स्की किया था, आज से 6 साल पहले, और अब आज कर रहे हैं। इस बीच में लाइफ बहुत ज़्यादा बदल गई, मेरे दोनों बच्चे भी हो गए। आज अपने बच्चे के साथ स्की करना एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस है किट्टू के साथ स्की करना। और शायद इसी को लर्निंग कहते हैं कि कोई भी लर्न की हुई चीज़ आप भूलते नहीं हो, चाहे उसे कितने सालों के बाद भी आप उसे यूज़ क्यों ना करो। 6 साल के बाद मैंने स्की पहना है और मुझे वैसे ही कंफर्टेबल फीलिंग हो रही है जब मैं पहले स्की किया करती थी। और यहाँ पे एक दूसरा स्की लिफ्ट है जो मैं अभी ट्राई करने जा रही हूँ। किट्टू अपने पापा के साथ है, नावन्या भी निकुंज के साथ है। तो अभी देखते हैं कि ये कैसा रहता है। ज़्यादा ऊंचा नहीं जाएंगे, बस मिडिल से ही लेके आएंगे, बिगनर स्लोप पे ही करेंगे। जो इट्स ओके, कोई नहीं, जैसा आएगा वो ले लेना। मैं इस लंबे वाले स्की से अभी जा रही हूँ ऊपर और आगे निहांस जा रहा है। तो अभी मैं और निहांस प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्रेनिंग स्लोप पे। स्नो अभी भी वैसे ही चल रही है।
ये निहांस आगे जा रहा है। हेलो किट्टू। हेलो इंद्रधनुष। किट्टू स्की कर रहा है। ये सारी लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। आज इतना स्नो हो रहा है कि ऊपर का माउंटेन तो दिख ही नहीं रहा है जहाँ से वो लोग स्की करके आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग आए हैं इस पर। ये सब ट्रेनिंग स्लोप्स हैं, बच्चों की ट्रेनिंग स्लोप्स हैं, इसलिए बच्चों वाली चीज़ें बनाई गई हैं ताकि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे। किट्टू अब यहाँ पे कर रहा है इसकी अपने टीचर के साथ। आज उसका सेकेंड डे है उसके इसकी स्कूल का और कल लास्ट डे होगा। तो हमने 3 दिन का उसका क्लास बुक किया था इसकी का, तो आज सेकेंड डे है और कल लास्ट डे है। वैसे तो बहुत टायर्ड हो गया है 2 दिन से इसकी करके, लेकिन फिर भी उसका मन था तो आज उसने कंटिन्यू किया। लेट्स सी कल क्या करता है, देखते हैं। आज का वेदर उतना अच्छा नहीं है, स्नो पड़ रही है और ये स्नो ना थोड़ी देर मेल्ट हो रही है तो उतना अच्छा नहीं लग रहा, ठंडक ज़्यादा है। तो जब तक यहाँ किट्टू ट्रेनिंग ले रहा है अपने टीचर के साथ, देखते हैं कि नावन्या क्या कर रही है। एक्चुअली जब टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहते हैं तो एक पेरेंट को उसके साथ रहना होता है, तो आज मैं इसकी कर रही हूँ इसलिए मैं किट्टू के साथ हूँ। और यहाँ पे रेस्टोरेंट में नावन्या निकुंज के साथ है, क्योंकि आज काफ़ी ठंड थी इसलिए नावन्या को लेकर निकुंज रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए थे। और यहाँ पर उसे काफ़ी अच्छी स्पेस मिल गई है खेलने के लिए, तो नावन्या पूरा खुश है और खेल रही है वो यहाँ पर। यहाँ और भी बच्चे थे। सबको हाई फाइव देते जा। किट्टू 2 ही क्लास में बहुत अच्छा स्की करने लगा है और आई थिंक हम लोग ने अच्छा किया कि ये जो क्रिसमस की वेकेशन थी उसको हमने किट्टू के लिए इसकी ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर लिया। एक तो लंबा वेकेशन था तो बच्चे बोर हो जाते घर में, और स्वीडन जैसी जगह पर तो स्नो हमेशा रहती है, तो इसकी एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है स्वीडन के लिए। तो किट्टू अगर इसकी सीख लेगा अभी इस स्टेज पे तो उसके लिए आगे बहुत अच्छा होगा। और अभी छोटा है ना तो बहुत जल्दी वो हर चीज़ सीख ले रहा है। आज इतने दिनों के बाद इसकी किया है ना तो बहुत ही टायर्डनेस फील हो रही है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि 3 बजने वाले हैं। 3 बजे जो भी स्लोप है वो बंद हो जाएगा क्योंकि डार्कनेस हो जाएगी, रात हो जाएगी। तो अभी मैं और नावन्या जा रहे हैं गाड़ी की ओर। निकुंज गए हैं किट्टू के साथ जो भी इसकी हमने रेंट किया था उसे रिटर्न करने, और वो हमें वहीं कार पे ही के ही पास मिलेंगे। तब तक मैं और नावन्या कार में जाएंगे। तो फिर अभी चलते हैं कार में। इतनी पड़ी है वो, अभी तो कार भी साफ़ करनी पड़ी। देखिए कार की क्या हालत हो रखी है, अभी बहुत ज़्यादा कार को भी क्लीन करना पड़ेगा, बहुत स्लो है। अभी और एक काम बचा है, गाड़ी को क्लीन करना। इससे तभी इसे पहले गाड़ी को क्लीन करेंगे तभी ये ड्राइव कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। थैंक यू फॉर टुडे।